पर था एहसास था कि दिल्ली की लगातार कोशिश रहेगी कि किसी तरह वो मुझे खामोश रहे, लेकिन किस हद तक जाएंगे ये मैं पूरी तरह से समझ नहीं पाया था। जब बारामूला में मेरे खिलाफ एक शख्स खड़े हुए जिन्होंने जेल से कागज भरे थे, जिन्होंने जेल से अपनी आवाज रिकॉर्ड कराई और लोगों तक पहुंचाई, जिन्होंने जज्बात के बुनियाद पे वोट मांगे और मुझे इलेक्शन में हराया, मैंने इसको ज्यादा खतरनाक नहीं समझा। मैंने ये सोचा कि जिस शख्स ने पहले भी इलेक्शन लड़ा है, इस बार भी उसने अपनी किस्मत आजमाई और जीत गया, लेकिन उससे अलावा मैंने नहीं सोचा। मैंने उसको साजिश के तौर पर नहीं देखा, मैंने कोई दिल्ली के एजेंडा के तौर पर नहीं देखा। मैंने ये समझा कि मेरी किस्मत खराब थी, उसकी किस्मत ठीक थी और नतीजा निकला। लेकिन जब मैंने गांधरबल इलेक्शन लड़ने का फैसला किया और फिर खबरें आनी शुरू हुई कि जेल से एक और बाशंगा अब मेरे खिलाफ लड़ने की बात कर रहा है, मैं मजबूर हुआ सोचने पे कि हम ये मेरे पीछे ही क्यों इन लोगों को लगाते हैं, जेल से इनको लाते हैं मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़ने के लिए, मत इसमें कोई साजिश है। अब बारामूला का वो तो मैं तब भी सोच सकता था, मैं वहीं का था, लेकिन इस बार जब गांधरबल को उनको लोकल जेल में कोई नहीं मिला मेरे खिलाफ इलेक्शन में उतारने के लिए, जैन पुरुष शोपियां से लाया। लेकिन चलो, मैं तब भी, मुझे तब भी थोड़ा सा शक था कि शायद ये खुद ही हो रहा है, लेकिन मैंने अपने दो तीन साथियों से मशवरा किया। मैंने कहा ना, मैं साबित करना चाहता हूं कि ये दिल्ली की साजिश रचाई जा रही है और इसको करने का एक ही तरीका है कि हम एक और सीट जो है वो लड़ेंगे, लेकिन हम बताएंगे नहीं किसी को कि हमने कौन सा सीट लड़ना है। हम आखिर में एक दो जगहों से फॉर्म इकट्ठा करके, लेकिन चुपचाप तरीके से सुबह फैसला करके एक जगह कागज भरेंगे। कल साबित हुआ आखिर में कि ये जो हो रहा है जेल से लोगों को लाके मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़वाना, ये कोई मामूली बात नहीं है। नहीं तो मुझे बताइए ना, वो शख्स पहले गांधरबल से कागज भरता है, फिर क्योंकि हमने पहले ऐलान नहीं किया कि मेरा दूसरा सीट कौन सा होगा, इससे पहले मैं एमएलए बीरवा का था, उनको शक था कि मैं बीरवा से कागज भरूंगा, उसने अपने कागज बीरवा से तैयार किए। जब दोपहर को मैंने बड़गाम से अपना दूसरा कागज का हिस्सा भरा, ये लोग फंस गए थे क्योंकि मैंने पहले बीरवा से अपनी तैयारी की थी। अब इससे आपको पता चल जाता है कि जम्मू कश्मीर में और खासकर कश्मीर में किसी और सियासतदान को दिल्ली वाले खामोश करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं जितना वो मुझे खामोश करने की। क्यों? क्योंकि मैं जब बात करता हूं तो आपके जज्बातों की तर्जमानी करता हूं, लोगों के मसलों की बात करता हूं, हमारे खोए हुए इज्जत की बात करता हूं। जब मैं अपनी टोपी आपके सामने फैलाता हूं, मैं सिर्फ अपने टोपी की बात नहीं करता, क्योंकि मुझे इस बात का बेहद एहसास है कि मेरी इज्जत आपकी इज्जत है, आपकी इज्जत मेरी इज्जत है। अगर आपकी इज्जत में कोई कमी आई तो मेरी इज्जत कैसे बढ़ सकती है। मैं जब दिल्ली से लड़ता हूं तो सिर्फ अपने नहीं लड़ता हूं, अपने घर के लिए नहीं लड़ता हूं,
हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं आज, वो पूरे जम्मू कश्मीर के लिए है, और वो इन बीजेपी वालों को पसंद नहीं है। तभी तो एक के बाद एक साजिश रचाई जा रही है। लेकिन ये साजिश जो है, ये एक ही बार कामयाब हो सकती है। इस बार मेरा अपने गांदरबल और बिलखसूस आज फाग ब्लॉक के लोगों पे पूरा भरोसा है कि वो सोच समझ के वोट डालेंगे। और मैं इस चीज को छेड़ता नहीं अगर मेरे साथी इसका जिक्र नहीं करते, लेकिन राठौर साहब ने भी जिक्र किया, हमारे बाबा साहब ने शायद इसके बारे में कुछ कहा नहीं कहा, फारूक ने कहा या ज्ञान साहब ने कहा, ये जो लोकल नॉन लोकल है। अब खुदा रहा मुझे बताओ, मेरे दादा मरहूम शेर कश्मीर शेख मांग अब्दुल्ला यहां से एमएलए, मेरी दादी यहां से मेंबर पार्लियामेंट, मेरे वालिद साहब यहां से पार्लियामेंट भी एमएलए भी, अस्पताल हो चाहे वो हम यहाँ पे नया न्यू गांदरबल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का हमने डीपीआर तैयार करवाया, अगर हमारी हुकूमत बनी होती या हम मैं यहाँ एमएलए होता हम उसको मंजूरी दे देते। नई एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स जो हमने यहाँ पे कायम किए, जो तरक्याती काम हमने यहाँ पे दिए, जो बेरोजगारी को कम करने की हमारी मुकम्मल कोशिश रही। कहने का मतलब मेरा ये है कि मैंने जरूर आपसे वोट लिए, लेकिन मुकम्मल कोशिश की कि इन वोटों का जो मेरे ऊपर आप लोगों ने एहसान किया, मैं उस एहसान को चुकाऊं। इसके मुकाबले 2014 में जिसको हमने एमएलए बनाया, मुझे कोई मजबूरी नहीं थी कि मैं सीट छोड़ दूं। अरे ना, जीती हुई सीट कौन छोड़ता है। मैंने तो काम किए थे यहां पे 6 साल, लेकिन क्योंकि मैंने उसको अपना वादा दिया था, जबान दी थी, मैंने उसको कहा था कि कोई बात नहीं, मैं आपको एडजस्ट करूंगा। उस जबान रखने के लिए मैंने कहा कोई बात नहीं, आप मेरी जगह आओ, मैं कहीं और से लड़ूंगा। मुझे उम्मीद थी कि मैंने जो काम शुरू किए थे उनको वो आगे ले जाएगा, लेकिन अफसोस की बात यह है कि जहां 2014 में काम हमने लिए थे, 2014 के बाद वो आगे कहीं नहीं बढ़े। अब आज मैं आप सबों को ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि जिन जिन चीजों की बात मेरे साथियों ने यहां छेड़ी, बड़े पैमाने पे तो हम बात करते रहेंगे हमारे सियासी मसले की, हमारी स्टेटहुड की, किस तरह हम वापस अपने असेंबली में वो ताकत लाएंगे जिससे कि हम अपना मुस्तकबिल बेहतर कर सके। लेकिन रोजमर्रा के जो हमारे मसले हैं, हमारे नौजवानों के जो बेरोजगारी का मसला है, हमारे बच्चों का जो तालीम का मसला है, हमारे अस्पतालों में जो सेहत का निजाम जो है इसको बेहतर करना है, यहां जो महंगाई का हाल है, बिजली के हवाले से मेरे साथियों ने बात की, कहा कि जिसकी आमदनी 1500 रुपए है वो 1600 रुपए का बिल कैसे भर सकता है, सही कहा। जो राशन का हाल है, जो राशन का स्केल काट के 5 किलो पे उतारा गया, चीनी राशन कार्ड से गायब, मिट्टी का तेल राशन कार्ड से गायब, आज घरों से कहा जा रहा है, खासकर जो शहर के करीब हैं, कि हमने आपको बिजली का मीटर दिया, अब हम आपको पानी का भी मीटर लगा के देंगे। हमने अपने मंशूर में इन सब चीजों का जिक्र किया है। अब इलेक्शन में एक तरफ से तो आप उम्मीदवार को देखते हो, लेकिन उसके साथ साथ आपको ये भी देखना है कि अगर वो उम्मीदवार कामयाब हुआ, उसकी जमात कामयाब हुई, तो आपके लिए क्या करेंगे। मेरे खिलाफ वो उम्मीदवार हैं
जिनका अभी से ही तार जो है बीजेपी के साथ जुड़ी हुई है। अल्लाह गवाह है, क्योंकि ना आप ये जानोगे ही नहीं कि मैं सच बोल रहा हूं या झूठ बोल रहा हूं। लेकिन अल्लाह ने आपको पता ही नहीं है, आपको इस बात का कभी एहसास हो ही नहीं सकेगा कि मैं सच बोलूंगा या झूठ। लेकिन अल्लाह ताला के सामने किताब वहां पे होगी, उनको मेरे हर एक बात का पता होगा कि कब मैंने सच बोला और कब मैंने झूठ बोला। जिस आदमी को हमने 14 में एमएलए बनाया, बदकिस्मती से हमारे सफों में रह के ही वो एजेंसियों का आदमी बना। मुझे अभी भी वो वक्त याद है जब वो गुप्कार मेरे दफ्तर में आता था मुझे मशवरा देने के लिए, और ये कहने के लिए नहीं कि आप गांदरबल में इस चीज की जरूरत है या गांदरबल के लिए हमने ये हासिल करना है या मैं लड़ूंगा झगड़ूंगा गांदरबल के मुतालबों के लिए। मेरे कान में सिर्फ उसका मशवरा ये होता था, जनाब दिल्ली के साथ आप रिश्ते अच्छे बनाओ, जनाब जाओ इनको मिलो, एजेंसियों के साथ ठीक ठाक रखो नहीं तो ये आपको बिगाड़ेंगे। और मैं उसको कहता था, मैं कहता था अल्लाह से डरो, बिगाड़ने वाला बनाने वाला वो है। जब तक अल्लाह का साथ है ये एजेंसियां दिल्ली मिनिस्टर ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और अगर लोग आपके साथ नहीं होंगे ये एजेंसियां भी आपके लिए कुछ बना नहीं सकेंगे। काश उस वक्त उसने मशवरा मुझे लोगों की खिदमत का दिया होता, मैं मानता। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि आजाद उम्मीदवार को आज जितवाना, फिर तो बेहतर है कि आप बीजेपी को ही वोट दो, क्योंकि होना वही है। यहां पे हम लोग हैं जो बीजेपी को रोकने के लिए जो है एक मोर्चे पे खड़े हैं, और क्यों? क्योंकि हम जम्मू कश्मीर में मुसलमानों का वो हाल होते हुए नहीं देखना चाहते जो बाकी मुल्क में हाल है। जिस तरह हमारे मस्जिदों और दरसगाहों पे बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, जिस तरह हमारे मदरसों पे ताले लगाए जा रहे हैं, जिस तरह हमारी माँ और बेटियों से कहा जाता है कि अपना हिजाब नकाब उतारो फिर जाओ तालीम हासिल करो, जिस तरह दुकानदारों से कहा जाता है कि दुकान के बाहर अपना नाम लिखो ताकि वहां से गुजरते हुए यात्रियों को पता हो कि मुसलमान के दुकान से हम सामान नहीं खरीदे, हम जम्मू कश्मीर में वो हालत पैदा होते हुए नहीं देखना चाहते। और इसलिए ये इलेक्शन जम्मू कश्मीर के लिए इतना अहम है। मेरी मुकम्मल कोशिश रहेगी